subscribe to MS Moto Vlogs and press the bell icon so you never miss an update on future videos. So good morning friends, Samir here and you are watching MS Moto Vlogs. So friends, अभी मैं हूँ गुवाहाटी में and I'm standing in front of Assam Tourism Center और यहाँ मैं आया हूँ अपना अरुणाचल का परमिट लेने and permit is done. 5 मिनट में परमिट मिल गया मुझे, which is very good actually, because अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इट विल टेक यू 2 days फॉर द नॉर्मल परमिट और वहाँ पे इमीडिएट परमिट का कोई ऑप्शन नहीं है. सो यहाँ पे आइए, सो दे विल चार्ज यू 100 rupees विच इज़ द कॉस्ट फॉर द परमिट एंड आफ्टर दैट वो आपको 5 मिनट के अंदर परमिट दे देंगे. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और बस मैं कल निकलूँगा. तो मेरे साथ अजय भी आया हुआ है, सो दैट्स हिज बाइक ऑल्सो. सो ही इज़ लिविंग फॉर अरुणाचल ऑन 25th एंड आई एम लिविंग टुमारो. सो फ्रेंड्स, बाइक इज़ ऑल सेट एंड आई एम लिविंग फॉर तवांग और मंगल दोई तक मुझे ज्वाइन करेगा सुदीप. तो कल थोड़ा सा मूड नहीं था मेरा ब्लॉग करने का, सो आई मिस दैट ब्लॉग, बट नो वरीज, ही इज ज्वाइनिंग टुडे ऑल्सो. और आज उसके साथ राइड करेंगे थोड़ा से दूर और उसके बाद मैं निकलूँगा सीधा तवांग के लिए एंड इट विल टेक एट लीस्ट 2 days टू रीच तवांग फॉर मी. सो लेट्स गो. सो हियर गोज सुदीप. तो ही इज़ राइडिंग इज 2019 डोमिनार ग्रीन कलर एंड बाई गॉड इज़ अ फियरलेस राइडर मैन, बहुत ही ज़बरदस्त राइडर है. और डोमिनार की तो इनने रेल बना रखी है डचिक. सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग ब्रह्मपुत्र रिवर और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से और रोड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत रोड है. बाइक चलाने में उतना ही मज़ा आ रहा है उस पर. अभी हम पहुंच गए हैं बेहटा चारियाली में और यहां से हम लेंगे डाइवर्जन मंगल दोई के लिए. सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट धुमनी चौकी और अभी हम रुके टी ब्रेक के लिए और भाई मुझे मंगल दोई तक छोड़ने आया है और बस मंगल दोई पहुँच के भाई को सी ऑफ करेंगे और मैं निकलूँगा बोमडीला के लिए वाया कलकटांग रूट. तो जो आप दूसरा रूट बता रहे हैं वो थोड़ा सा ख़राब है, तो हम टेकिंग द कलकटांग रूट जो कि कंपैरेटिवली बेटर है उससे. और हमारे भाई हैं सुदीप तो एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ DOC गुवाहाटी. अगर आपको कभी कोई हेल्प चाहिए गुवाहाटी में, हम लोग के DOC ग्रुप के मेंबर से हम लोग ऐसे ही हेल्पफुल है. हाँ. छोड़ने आते कोई भी इन्फो चाहिए होगा तो डू कॉन्टेक्ट अस. बिल्कुल, कहीं से आप कोई भी ट्रैवलर हो किसी भी स्टेट के हो, डू कम इन गुवाहाटी एंड कॉन्टैक्ट दिस गाइज इफ़ यू नीड एनी हेल्प और एनीथिंग एल्स इन गुवाहाटी. सो टेक केयर. सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट उरांग और भाई मिलने आया, ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम धेक्याजुली एंड ही इज़ ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ DOC गुवाहाटी. और बस ये भाई अब मुझे यहाँ से सी ऑफ करेंगे. कहाँ तक चलेंगे भाई हम? माजबट तक. अभी आपको जाना है बालीमू तक, बालीमू से आप खालकटांग होके धीरांग तक, कल आप तवांग. हाँ, और आपके साथ हम माजबट तक जाएंगे. माजबाट तक जाएंगे भाई हमारे साथ हमारे को सी ऑफ करने के लिए. और बहुत ही अच्छा लगा भाई से मिल के और काफ़ी दिन से हम टच में हैं बट आज मौका मिल ही गया फाइनली मिलने का. मी टू ब्रो. हाँ, सो दिस इज हिज बाइक, ही ऑल्सो राइड द सेम बाइक 2017 डोमिनार एंड दैट्स माई बाइक. सो चलिए अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से बिकॉज इट्स 2 o'clock in the आफ्टरनून और अभी तो मैं लगभग 5 घंटे की राइड और है. सो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, अगर दिरांग पहुँच गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कहीं भी स्टे ले लेंगे. सो लेट्स गो. चलो भाई मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर भाई, राइड सेफली. जब आएंगे एक कॉल कीजिए. हाँ मैं आऊँगा तो कॉल करूँगा, ठीक है. रोड से तो जाना होगा. मैं आऊँगा तो शायद वो वाले रोड भालुकपुंग वाले रोड से आऊँगा धेक्याजुली होके. हाँ तो मैं कॉल करके जाना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलो इंशाल्लाह मुलाकात होती है भाई बहुत जल्द.
चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। स्ट्रेट ही है ना अभी तो? जी ठीक है, ये सब हो रहा है, सब वही जा रहा है। हाँ सब अच्छा है यार, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। और बहुत बढ़िया रोड है, सीनरी भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। गाइस वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड अरुणाचल प्रदेश, और इस चेक पोस्ट पे आपको अपना परमिट दिखाना पड़ता है तवांग जाने के लिए। तो इसी तरह की और भी चेक पोस्ट हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे। So good morning friends, right now I am in Kalaktang. Yesterday the weather was very bad, so I decided to stay in Kalaktang for the night. और बारिश भी होती थी बहुत ज़्यादा और रोड्स इतने बढ़िया नहीं है और अंधेरा भी हो गया था, सो मैंने Kalaktang में ही रहने का डिसाइड किया। सो Kalaktang एक छोटा सा शहर है, आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ है, बहुत ही क्लीन है, और जो रूम्स की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे रूम आपको आसानी से मिल जाएगा विद इन द रेंज ऑफ 500 to 800 रुपीज़, एंड सिंगल रूम 500 और डबल रूम आपको 700-800 में मिल जाएगा। सो स्टेड इन दिस होटल तारा लॉज, ये आंटी का होटल है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, रूम वॉज़ वेरी क्लीन, और पेट्रोल वगैरह भी अगर आपको इमरजेंसी हो तो यू कैन गेट पेट्रोल फ्रॉम Kalaktang। सो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, और शेगांव में बस एक पेट्रोल ब्रेक लेंगे, पेट्रोल फिल कराएंगे और सीधा निकलेंगे हम तवांग के लिए। देखते हैं आज तवांग पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, बीच में कुछ कुछ प्लेसेस हैं वो देखनी है। सो लेट्स गो। गाइज़ अभी मैं हूँ शेरा गांव में, और ये बहुत ही एक खूबसूरत सा ब्रिज बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज बनाया हुआ है नदी के ऊपर से, और जो रिवर का पानी है वो देखिए आप, एब्सोल्युटली क्लियर, और जो ब्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा फील डल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाथ तो मेरा नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए मैं निकल रहा हूं यहां से, तो चलिए चलते हैं अब। बहुत ही अच्छा लगा आके यहां पे, बट समय की पाबंदी है और हमें निकलना भी है। सो राइट नाउ आई एम एट बोमदिला, एंड बोमदिला इज़ एट द हाइट ऑफ 8000 फीट अबव सी लेवल, एंड मैन इट्स डैम चिली, और मुझे अपने विंटर लाइनर्स निकालने पड़ गए, आप देख सकते हैं दिस इज़ द विंटर लाइनर, अभी निकाल के पहना मैंने, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और बस पीछे एक छोटा सा टी स्टॉल था, वहाँ पर चाय पी, और चाय बहुत अच्छी बनाई थी भाई ने, तो चाय ब्रेड वगैरह खाई, तो काफ़ी अच्छा लगा। बस अब यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो मे बी आई विल क्रॉस दिरांग इन अदर 2 आवर्स,
तवांग पहुंचना मुश्किल है बिकॉज तवांग इज़ लाइक 181 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो मे बी टमोरो मॉर्निंग बाय द टाइम इट्स 12 o'clock आई विल बी देयर इन तवांग. सो लेट्स गो मैन. सो गाइज राइट नाउ आई एम एट न्याकमा दुंग वॉर मेमोरियल और ये वॉर मेमोरियल पड़ता है जब आप बोमदिला से सेला पास की तरफ जाएंगे तो ये वॉर मेमोरियल पड़ता है बीच में. और ये वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में बनाया गया जो 1962 के वॉर में शहीद हुए और इसी एरिया पे वो वार हुआ था. तो चलिए अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं. और जब भी इस रूट से गुजरें तो रुक के 5-10 मिनट निकालें अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए. तो ये जो आप छोटी सी हट देख रहे हैं इसके अंदर कैप्टन शुक्ला जिस टेबल और चेयर पे बैठते थे वो रखे हैं उनकी मेमोरीज़ के लिए. तो दिखाते हैं आपको. तो अंदर जाना आई थिंक गेट अभी लॉक है. सो ये उनका टेबल और उनका चेयर है और उनकी याद में ये बनाया गया. तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मैंने बट जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही अच्छी जगह है और पूरी वॉर मेमोरियल के अंदर खूबसूरत फ्लावर्स लगाए हुए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं और ही ज़्यादा इस प्लेस को खूबसूरत बना रहे हैं. और पीसफुल तो ये प्लेस है ही. सो लेट्स गो फ्रॉम हियर. सो गाइज राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू सेला पास और यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है सेला पास का. बट ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन मुझे दिखी और मैं रुक नहीं पाया और मैंने बाइक साइड लगा दी और कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रुका हूँ अभी मैं. सो आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से. दैट्स माई बाइक एंड सी द व्यू मैन. सी दैट मैन. और वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा है लेकिन जब आप खुद की आंखों से इसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे. इट्स सो ब्यूटीफुल मैन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ठंड बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हेलमेट पहन लेते हैं. तो चलिए निकलते हैं यहाँ से फटाफट से. सो गाइज राइट नाउ आई एम एट सेला पास और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है. और बालों की हालत आप देख सकते हैं, हेलमेट पहने पहने बहुत ठंडी हवा चल रही है. तो अभी पीछे एक सेला कैफेटेरिया है तो अभी इसके अंदर जाएंगे, चाय पानी किया जाए कुछ, फिर चाय पी के निकलेंगे. चिली मैन, इट्स विंडी. सो गाइज राइट नाउ आई एम एट सेला पास और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे. टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है और सेला पास की जो अल्टीट्यूड है वो है 13,700 फीट. दिस इज़ द गेटवे टू तवांग, यहाँ से तवांग डिस्ट्रिक्ट लग जाता है. और जो एक्चुअल तवांग सिटी है वो है यहाँ से 77 किलोमीटर्स. पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है. तो मैं रुक के थोड़ा सा चाय पीने के लिए कैफेटेरिया में गया था बट चाय ख़त्म हो गई थी अनफॉर्चुनेटली. तो आई एम हैविंग चॉकलेट राइट नाउ. और कुछ बाइकर्स मिले हैं मुझे केरला से तो मैंने उन्हीं को ज्वाइन किया है. सो आज सीधा तवांग जाके रुकेंगे हम. तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और क्योंकि अभी तवांग पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटा लगेगा
रात भी हो रही है, तो लेट्स गो।